लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्यों गुमसुम बैठे हुए मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ? मुझे सोफे के कवर्स के लिए कलर्स चुने हैं, मुझे ये वाला पसंद है, तुम्हें ये अच्छा है। ग्रेट इमी भैया, ये आपका पुराना सामान है, देख लीजिए, कुछ काम का तो नहीं है, वरना मैं कबाड़ी को दे दूं। प्रिया बॉम्बे से दिल्ली 6 महीने का कोर्स करने के लिए आई थी, राइट? राइट। इसका मतलब उसका क्रेडिट कार्ड किसी बॉम्बे के बैंक का हो। हमें इस बिल से उस बैंक का पता करना है और उस बैंक से प्रिया का पता, सिंपल। आइए महाराज, आइए। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू। मेरा नाम प्रेम सिंह है जी। हाय। बोलो महाराज, क्या दिखाऊं आप? हमारे यहाँ कच्चे बनियान से लेकर 3-पीस सूट तक सब कुछ मिलता है जी। बोलो। नहीं भाई साहब, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कुछ खरीदने नहीं आया हूँ, मेरी एक प्रॉब्लम है। आज से 3 साल पहले मैं और मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर एक स्कार्फ खरीदने आए थे। 3 साल पहले? या महाराज, मैनेजमेंट का उसूल है कि कस्टमर को खरीदी हुई चीज बदलनी है तो 3 महीने के अंदर बदल सकता है, 3 साल के बाद नहीं। सॉरी भाई साहब, आप समझ नहीं रहे, मुझे कुछ बदलना नहीं है, मुझे पता करना है कि जिस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है वो कौन से बैंक है। कमाल के टाइप के आदमी है महाराज आप, आपको खुद नहीं पता कि आपका क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक का है। ओ भाई साहब, अरे फजूल की बात छोड़िए और ये रखिए। महाराज ये क्या है, क्या है ये? अरे अरे, ये तो नोट है 500 रुपए का। महाराज ये तो रिश्वत देने पे उधर है। उठाओ नोट, चलो निकलो इधर से। आशीष ये क्या कर रहा है यार तू? प्रेम सिंह जैसे शरीफ आदमी के साथ रिश्वत की बात कर रहा है? माफी मांग। सॉरी। ठीक है ठीक है। प्रेम सिंह जी, कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे बैंक का पता चल जाए। महाराज। हाँ जी। जरा झुको। क्या है महाराज? मैं इस डिपार्टमेंटल स्टोर का हेड सेल्समैन हूँ। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या है महाराज, मैनेजमेंट मुझे हर रोज 50,000 रुपए का माल बेचने का एक कोटा देती है। आप कुछ माल खरीद के मेरा कोटा पूरा कर दो, मैं आपका काम कर देता हूँ। अरे बाप रे, बड़ा चालू आदमी है ये। नहीं नहीं महाराज, चालू नहीं हूँ, अच्छा सेल्समैन। ये लीजिए महाराज। अच्छा महाराज, वो पुराना बिल देना जरा। हाँ जी, ये ये तो अब क्या हुआ? सॉरी महाराज, आपके इस बिल की डिटेल हमारे कंप्यूटर में है ही नहीं, इसमें 1 साल पुराना ही सेल्स रिकॉर्ड है। क्या मतलब है आपका, मतलब क्या आपका? ओ महाराज, गला छोड़ो, गला छोड़ो। और जी मुझे भी इस बात का आज ही पता चला। एक्चुअली हमारे पुराने सेल का रिकॉर्ड हमारे गोडाउन में है जो चांदनी चौक में है। महाराज सुनो तो, लेकिन आज वहां छुट्टी है और कल आपको मेरे बगैर कोई घुसने भी नहीं देगा। तो ठीक है, कल आप मेरे साथ वहां चलिए। जी ओके। धीरे धीरे मैम, आपका फोन। हेलो। हे स्वीटहार्ट, कहाँ हो तुम? जतिन गाने की एडिटिंग कर रही हूँ। हेलो 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 बेबी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, एक सेकंड में बाहर आती हूँ। हाँ जतिन बोलो। बेबी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, हम कल दिल्ली नहीं जा सकते और शादी भी 2 दिन पोस्टपोन करनी पड़ेगी। क्यों? दरअसल मुझे एक म्यूजिक डायरेक्टर ने बहुत बड़ा ब्रेक दिया है बेबी, प्लेबैक सिंगिंग करने के लिए। 2 दिन? लेकिन मैंने सारे शेड्यूल्स इसी हिसाब से एडजस्ट किए हैं। हे बेबी देखो, अगर तुम कहो तो मैं ये रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दूंगा। नहीं कोई बात नहीं, डोंट डू दैट। बेबी देखो, तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं। दैट्स माय गर्ल। ओके बाय। महाराज, जिस तरह ये पुराने बिल आप जमीन पर फेंक रहे हैं ना, उसी तरह जाते समय आपको उठाने भी पड़ेंगे। पता है। अरे मिल गया यार! I can't believe it, dude! अब मिल गया। आशीष, किधर है तू यार? अरे मुझे मिल गया। आराम से। ये क्या कर रहे हो? Stop it! Confirm करने दो यार। इसको तो मैं आज। महाराज कपड़े क्यों उतार रहे हो? महाराज मिली तो फटा है। HSBC Bank, Santa Cruz West, Mumbai. Oh, jeez. Mwah!
आशीष जल्दी करना यार। ओ हीरो, ये गाड़ी ऐसे मैं चला सकता उड़ा नहीं सकता यार। प्लेन उड़ गया तो? यार रमी मैं चला रहा हूँ यार। Come on let's go आशीष, come on man। मम्मी यार। हेलो। घर आई तो डैड ने बताया कि तुम सडनली मुंबई जा रहे हो। हाँ एक्चुअली वो अमेरिका से कॉल आया तो क्लाइंट से अर्जेंटली मिलने मुंबई जाना पड़ रहा है। लेकिन वापस कब लौटोगे? बस एक दो दिन में काम होते ही वापस आ जाऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स। हेलो। हे जान। जतिन आज शाम दिल्ली जाने की सोच रही हूँ। दिल्ली जाने का सोच रही हो? लेकिन बेबी शादी करने के लिए एक लड़की के साथ एक लड़के का होना बहुत जरूरी है। मजाक बंद करो जतिन। देखो वैसे भी तुम 4 दिन बाद दिल्ली आ रहे हो तो मैंने सोच लिया कि मैं पुराने फ्रेंड से मिल लूं। ओके स्वीटहार्ट व्हाटएवर यू से। वैसे भी शादी के बाद तो तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी तो क्यों ना अभी से ही मैं प्रैक्टिस शुरू कर दूं। थैंक यू जतिन। ओके स्वीटहार्ट बाय। टैक्सी टैक्सी भाई साहब सैंटा क्रूज वेस्ट। तू बैठना अंदर यार। आप लोग कहां से आए साहब? हम लोग दिल्ली से हैं भाई साहब। कितना टाइम लगेगा? 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। 1.5-2 घंटा? मगर किसने बताया एयरपोर्ट तो सांता क्रूज में ही है। क्या है भाई साहब, आपकी दिल्ली में जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली है वैसे ही मुंबई में सांता क्रूज ईस्ट और सांता क्रूज वेस्ट है। बहुत घूमना पड़ता है, वर्ली दादर बाइक। अच्छा ठीक है तो आप जरा जल्दी कीजिए प्लीज। ओके चल चल अभी चलता है। ये रहा HSBC। देखिए भाई साहब मुझे सिर्फ 5 मिनट का काम है, मुझे कोई चेक पे कैश नहीं कराना है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट जाना। देखिए आपको जो भी काम है परसों सुबह आइएगा। परसों सुबह? कल बैंक हॉलीडे ना। अच्छा भाई यहाँ कोई नजदीक में होटल है? हाँ अब बगल में एयरपोर्ट है, वहीं पे अच्छे खासा होटल मिल जाएंगे आपको। अरे हम तो 2 घंटे से चक्कर लगा रहे हैं यार, एयरपोर्ट से आए अभी। अरे साहब एयरपोर्ट यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है, लगता है टैक्सी वाला आपको बेवकूफ बना गया। हाँ बताइए मैडम कहाँ चलना है? कनॉट प्लेस भाई साहब। नहीं वो होटल रॉयल क्लिफ लेना प्लीज। रॉयल क्लिफ क्यों? हम दोनों दिव्या के घर नहीं जा रहे क्या? दिव्या को दिल्ली से शिफ्ट हुए 8 महीने हुए। जल्दी बताइए मैडम कहाँ चलना है आपको? एक मिनट भाई साहब, तो ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? ओह मैं समझ गई प्रिया, तू यहाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने या तेरी शॉपिंग करने नहीं बल्कि उस इमी को ढूंढने आई है। वो क्या है? आई डोंट वांट टू लिसन टू यू। मैं जा रही हूँ। मैं कुछ चीज सुनना चाहती हूँ। मेरी बात तो सुनो हनी। अगर तू उस पुराने साये के पीछे पड़ना चाहती है देन आई एम नॉट विथ यू हनी। हाँ ये सही है कि मैं इमी को यहाँ ढूंढने आई हूँ। इन दैट केस प्रिया आई एम नॉट विथ यू। ये काम तुझे अकेले करना पड़ेगा, दिस इज रिडिक्युलस। 4 दिन बाद तेरी शादी है, तू एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है और तू है कि उस 3 साल पुराने साये को ढूंढने निकली है। हनी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू डू दिस। मेरा दिल यही कह रहा है कि इमी ही मेरा जीवन साथी है। तकदीर मुझे बार बार यही इशारा कर रही है कि अगर मैंने उसे ढूंढने की आखिरी कोशिश नहीं की तो इस बात को लेकर जिंदगी भर मेरे दिल में दरार रहेगी। आई प्रॉमिस यू हनी कि अगर वो इन 3 दिनों में नहीं मिला तो मैं उसे हमेशा के लिए भुला दूंगी। तो सच कह रही है प्रिया? I'm so sorry. I'm with you. चलो प्रिया पहले इमी के कॉलेज चलते हैं। Are you okay? Priya, it's Gucci. Wow, what a wonderful purse. Priya, same to same ditto तेरे पास भी है ना? लेकिन तेरा वाला 2,500 का है। इसकी कीमत क्या है भाई साहब? 120 रुपया। Just 120 and that too made in USA. ये बॉम्बे की USA है, उल्लास नगर सिंधी एसोसिएशन। ये देख इसमें 1 सी ज्यादा है। तो क्या हुआ, ज्यादा ही है ना, कम तो नहीं? I'll buy it. मिम साहब 50 रुपए का छुट्टा नहीं है मेरे पास, 20 रुपए छुट्टे दीजिए ना। मेरे पास भी छुट्टे नहीं है मैडम के प्रिया, पास होगा। प्रिया
तेरे पास 50 के छुट्टे हैं, देख लेना। प्रिया, मैंने 50 का नोट रख दिया है और 50 के छुट्टे ले लिए। अरे सॉरी मैम, 3 साल पहले इमी नाम का एक भी स्टूडेंट इस कॉलेज में नहीं पढ़ता था, लेकिन उसने इसी कॉलेज का नाम लिया था। एमी उसका पेट या निकनेम होगा, लेकिन जब तक आप मुझे उसका पूरा नाम नहीं बताएंगी, उसका सरनेम नहीं बताएंगी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। असली नाम तो मुझे भी नहीं पता, सब उसे यही बुलाते थे। वो 3 साल पहले बैंकॉक फेस्टिवल के लिए गया था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सॉरी, इस ग्रुप में भी उसका नाम कहीं नहीं है। उफ, क्या यार प्रिया, मोहब्बत में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसका पूरा नाम भी नहीं पूछा। जिस नोट पे उसने अपना नंबर लिखा था वो भी याद नहीं रखा, और उसे पूछा भी नहीं कि दिल्ली में वो कहाँ रहता है। फोन नंबर कैसे याद रखती है? उफ, पर हाँ, उसने मुझे कहा कि वो वसंत कुंज में रहता है। वसंत कुंज एड्रेस है तेरे पास? नहीं, वो तो मैंने नहीं पूछा। ब्रिलियंट, तेरे कहने का ये मतलब है कि पूरे वसंत कुंज में उसे ढूंढेंगे। अरे हैव यू गॉन मैड, वसंत कुंज इतना बड़ा एरिया है कि ट्राई तो कर सकते हैं। पता था तुमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पर आकर। अरे ये तकदीर, डेस्टिनी, ये सब तुम्हारा वहम है। मुझे पता है, इमी का कोई पता नहीं चलने वाला। This is a special evening on Radio Mirchi 98.3 FM, bumper to bumper, जो कि आप सुन रहे हैं अर्चना के साथ। आज शाम हमारे साथ है अपकमिंग कोरियोग्राफर मिस प्रिया मल्होत्रा, जो कि आई है ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। बट होल्ड ऑन, ये यहाँ पे अपने प्रोफेशन से जुड़ी नहीं, बल्कि अपने 3 साल से बिछड़े हुए प्यार इमी को ढूंढने आई हैं। आई विश यू ऑल द लक प्रिया, यूर ऑन। इमी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। मैं आज सिर्फ तुम्हें ये कहने आई हूँ कि आज से 3 साल पहले बैंकॉक में जो कुछ भी हुआ था, मैंने उसके लिए तुम्हें माफ कर दिया है। इमी, तकदीर पे भरोसा करके मैंने तुम्हारे सामने बहुत मुश्किल इम्तिहान रख दिया था। आई मेड अ बिग मिस्टेक, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए दिल्ली आई हूं। अगर तुम मेरी आवाज सुन सकते हो तो प्लीज मुझे फोन करो, मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ, एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ। इमी, आई लव यू, आई लव यू वेरी मच। प्रिया रिलैक्स, प्रिया प्लीज, प्रिया दैट्स योर फर्स्ट कॉल। हेलो, हेलो प्रिया, हाय, मेरा नाम भी इमी है। लेकिन मैं तुम्हारा इमी नहीं बोल रहा हूँ। प्रिया, एक्चुअली एक हफ्ता पहले मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड का झगड़ा हुआ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि प्यार में जुदाई का मतलब क्या होता है। प्रिया, लेकिन आज हम दोनों का पैचअप हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हें गुड लक विश करने के लिए फोन किया है। हेलो, हेलो प्रिया, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी, मैं चाहता हूँ तुम्हें तुम्हारा ईमेल मिल जाए। हेलो प्रिया, प्रिया जी चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आपका ईमेल जरूर मिल जाएगा। हेलो,
हाय डैड। बेटा जी क्या हुआ? हुआ क्या? तुम तो दो दिन पहले आने वाले थे। जी एक्चुअली मुझे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे यहाँ आज बैंक हॉलीडे इसलिए मिले नहीं डैड। ठीक है बेटा, लेकिन जल्द से जल्द आने की कोशिश करना क्योंकि सोफिया और बाकी के लोग बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके डोंट वरी डैड, मैं मंडे शाम तक पक्का वापस आ जाऊंगा। वेरी गुड। किसी किसी दैट्स माय बॉय। कहते हैं कि तकदीर से बढ़कर कुछ नहीं। अरे हनी एक सेकंड पीछे ले थोड़ा। लेकिन मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि तकदीर से बढ़कर है विश्वास, क्योंकि अगर इंसान में विश्वास हो तो वो अपनी तकदीर को बदल सकता है। इतनी ताकत है उसमें। Faith can move mountains, you know. मैम मुझे इस क्रेडिट कार्ड नंबर के ओनर का एड्रेस चाहिए। What? क्रेडिट कार्ड नंबर से ओनर का एड्रेस? Yeah. You gotta be joking. मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दे सकती। ये हमारे बैंक के रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है। You can go now. मैं समझ सकता हूँ मैम, लेकिन मैं दिल्ली से बॉम्बे खास इसी काम से आया हूँ। If you could just hear me out for a minute. No. हाँ, please, please don't waste my time. शायद आपने सुना नहीं कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। मुझे इस ऑफिस को रन करना है, and frankly, मुझे आपके प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको मेरे प्रॉब्लम में इंटरेस्ट क्यों होगा? मैं आपका रिश्तेदार तो लगता नहीं। Exactly. लेकिन इंसानियत के नाते सिर्फ 5 मिनट आप मेरी बात तो सुन सकती हैं। अगर आपको फिर भी लगा कि आप मुझे वो डिटेल्स नहीं दे सकते, मैं चला जाऊंगा। Okay, sit down. जिस लड़की का पता मैं आपसे मांग रहा हूं मैम, उसका नाम प्रिया है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आज से 3 साल पहले अपनी गलती की वजह से मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। इन सालों में एक ऐसा दिन नहीं बीता मैम जब मैंने प्रिया के बारे में ना सोचा। आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने तुमसे बहुत रूड तरीके से बिहेव किया है ना, लेकिन मेरी भी गलती नहीं है। आजकल लोग अपने खुद के काम में इतने बिजी हो गए हैं कि किसी दूसरे का दुख और दर्द उन्हें दिखाई ही नहीं देता। लेकिन योर स्टोरी हैज रियली टच्ड माय हार्ट और मुझे लगता है कि मैं इस बैंक के कुछ रूल्स तुम्हारे लिए जरूर तोड़ सकती हूं। हाउ अबाउट दैट?